ईशान और हम हैं फोकर। सो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ और आज भाभी और कुलू जा रहे हैं सऊदी। तो गाइस कल है हाइफा की हल्दी, तो आप लोगों को कल हल्दी का ब्लॉग मिल जाएगा। और आज लोग इस वजह से जा रहे हैं गाइस क्योंकि उनसे ही पूछ लेते, ठीक है अभी वो सब पूछ लेते उन लोग से। और बहुत सारी चीज हो रही है गाइस घर में, बहुत मतलब घर खाली, सबका घर खाली हो रहा है। अब यहाँ पे भी घर खाली, यहाँ पे भी कोई लड़की नहीं है, नीचे हम लोग के घर पे भी कोई लड़की नहीं है। मतलब अपन कैसे रहेंगे बिगड़ लड़कियों के, मतलब अपनी बहनों के। तो शादी कर ले लड़की क्यों, तू शादी नहीं कर सकता लड़की लाने के लिए। तो गाइस बहुत ऐसा अजीब भी लग रहा है और ऐसा खुशी भी हो रही, बहने भी खुश रहेगी। भाभी भाभी अपनी मम्मी से मिलने जा रहे हैं। हाँ तो भाई अभी सब शादी करके जा रहे हैं, एक एक करके सब जा रहे हैं, क्या पता कैसा। अभी तक ये सुख हम लोगों को नहीं, अमन ने देख लिया ये सुख की दूसरे की बेटी को घर में लाने वाला, लेकिन वो भी अभी जा रहे हैं। आज है अमन की और भाभी की शादी की सालगिरह, मतलब एक साल पहले जो शादी हुई थी उन लोग की, उस डेट के हिसाब से निकाह जिस दिन हुआ था उस दिन के हिसाब से आज है निकाह। मतलब आज डेट क्या है, एनिवर्सरी वाले दिन अमन गिफ्ट दे रहा है, नहीं भाभी यार ले लो अभी। भाभी अमन को एकदम मस्त वाला गिफ्ट दे दिए, बोले जाओ जियो जियो, तुमको थोड़ा टाइम और दे दिया अकेले जीने, एक साल जिए उसके बाद फिर। अब भाभी शादी करके आया, अभी वापस जा रहे हैं। तो बस चलो लोगों विश कर देते गाइस, आप लोग भी विश कर दो। 22nd of February है ना, 22 तारीख है ना आज। हाँ तो 22nd February को लोगों का निकाह हुआ था, और जनवरी हाँ 22nd of January को लोगों का निकाह हुआ था, आज लोगों का सालगिरह है। तो लोगों विश भी कर देते, आओ देखते लोग क्या करते। जाते जाते प्यार दिख रहा है, मैंने कैप्चर कर लिया, मैंने कैप्चर कर लिया। अभी बैठा नहीं है, कुछ लिया नहीं, वो बता रहे जा रहे ना तुम लोग, सालगिरह पे। अमन को गाइस अमन दुख दर्द और पीड़ा से गुजर रहे इस वक्त, और बाहर जो बॉम्ब फूट रहे गाइस इसी वजह से फूट रहे, हम लोग नहीं फुड़वा रहे वो सब बॉम्ब, कि अमन मतलब अमन को थोड़ी देर हाँ विदाई हो रही है फिर से। अच्छा ये क्या ससुराल में से विदाई हो रही है भाभी की, खुश तो बहुत हो गया। भाभी तो खुश है ही अमन भाई, माशाल्लाह क्या बात है। जाते कभी खिलाया नहीं इतने टाइम में, मैंने तो नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। हाँ बीवी के जाने का गम खा रहा अमन को। क्यों ऐसा तो प्यार है तो दिखना तो चाहिए। अकेले में अमन फूट फूट के रोने वाला है। कोई बात नहीं, जिशान तेरा साथ देगा रूम में सोने के लिए। मोहानी आपकी बेटी और बहू घर से दोनों लड़कियां जा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? जरा भी अच्छा नहीं। वहाँ बच्चा रो, मोहानी रो मत, काना टीका लग गया क्या? हाँ मानी बच्चे का गम है मम्मी, वो बच्चे का गम। हाँ मुझे बेटी जा रही, कुछ नहीं बच्चा जा रहा है। एक बच्चा वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है मम्मी आपको देख के, आपको देख के। तो बेटी कहीं जा रही थोड़ी ना, अच्छे मतलब घर में ही रहेगी ना। हाँ मानी मम्मी रो रहा है, बेटा रो रहा है, वो भी रो रहा है, मानी आप भी रो रहे, क्या ये सब कनेक्शन की चीज है। सही मुमानी। हाँ बहू भी जा रही है, बेटी भी जा रही है, सब साथ में। बुरा लगता है, मामू से पूछते हैं आप। मामू आपको कैसा लग रहा है, बेटी भी जा रही है बहू भी जा रही है? बेटा वो तो खुशी हो रही है। किस चीज की खुशी हो रही है? दोनों जा रहे हैं, मगर मेरा नवासा जा रहा है वो दुखी हो। बच्चे का घर में एक बच्चा आ जाता है ना गाइस, उसके ऊपर ज्यादा लोग ध्यान देने लग जाते हैं, कि उससे ज्यादा प्यार हो जाता है। तो मुमानी मामू को भी वैसी हो गया है, बच्चे से ज्यादा प्यार हो गया है। मम्मी और डैडी दोनों डॉल से खेले। याद कर करके मुमानी रोएंगे अब यहाँ बैठ के। अमन तेरी फीलिंग बता, सालगिरह वाले दिन तू जो अपनी बीवी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा, देखो कैसा लग रहा है। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। भाभी को ये बोल बोल के गिल्टी फील करा के भाभी ऐसी रोते रोते चले आएंगे। हाँ भाभी
हाँ मिल गई है जी, वो भाभी रो देंगे आप, मत परेशान कर दादा भाभी को। ठीक है अब जा रहे हो, अच्छे से जाने दे, सब कुछ हो तो गया है। तो मैं कब बोला मैं तू चालू किया तो वो अंदर से वापस आ रहा है। सही है। ये सामान है भाभी और कुलूत का, तो इन लोग ने इतना सारा सामान ज्यादातर कुलूत का ही है क्योंकि भाभी तो वापिस ही आएंगे। कुलूत का यहाँ जो सामान रखे थे वो सब लेके जा रही है वो, तो अब देखो इंशाल्लाह कब आती है वो, और चलो लेके निकलते हैं। तो गाइस बस हम लोग निकल ही रहे हैं, मामू मामी कुलूत बेबी सब इन लोग सब बैठे हैं, जिशान बाहर से कार निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे मिल जाएंगे बिलाल, जाहिद और अमन मिल जाए, छोटा अमन मिल जाए, तो हम लोग सब साथ में जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ कार में डीजल भरा। तो गाइज अमन का थोड़ा मूड बदला और अमन और भाभी बैठ गए हैं कार में, तो बस हम लोग पहले डीजल भराने जा रहे हैं, जब तक जिशान पीछे पीछे आएगा और वहाँ पे उन लोग को सबको पिकअप करके निकलेंगे। हम लोग डीजल ही भरवा रहे हैं वहाँ पे, तो बस जिशान भी पहुँच गया है, चलो निकलते हैं। तो गाइज हम लोग थोड़ा कुछ खाने के लिए रुक गए थे, सीख पराठे का रोल, जाहिद आ गया है, तो बिलाल क्यों नहीं आया? काम था बिलाल को, कुछ काम था, वो भाई वो काशिफ के साथ गया हुआ है कुछ उन लोग के घर का काम था वहीं पर दुकान के पास। तो अमन भी आ गया, छोटा अमन चल निकल, तुम लोग आगे आगे रहो, मामू आप रास्ता बताते रहना, चलो रास्ता बस सीधा सीधा है। हाँ तो बस आप लोग आगे चलो फिर। तो भाई छोटा अमन भी आ गया है, तो नाक उजा ले, नाक में उंगली डाल ले, अच्छे से डाल, ठीक है। एयरपोर्ट की तरफ आने पे ऐसा लगता है कोई हम लोग दूसरी दुनिया में ही आ गए, बहुत मजा आती है देखने ही, मजा आती है। अभी यहाँ पे नाकाबंदी लगी है तो जाके देखते हैं। गाइस देखो कितना मस्त व्यू आता है एयरपोर्ट का, ये देखो क्या बात है, एयरपोर्ट की बात ही अलग है। हां फिर क्या गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भाभी लोग सब अभी तक पीछे ही है, तो देखो लोग आएंगे, गाड़ी साइड में खड़ी कर देता कहीं पर। तो गाइस मैं जा रहा हूँ ये दुनिया छोड़ के, मतलब मेरा मुंबई छोड़ के, अगर आप लोग को मेरी याद आए तो मुझे याद करना, लव यू। चलो अभी अमन करेगा यही चीज। अमन क्या बोल रहे हैं? तो गाइस मैं जा रहा हूँ मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, तो मिलते हैं। चलो गाइस हम लोग तो ये देश छोड़ रहे हैं, तुम लोग कब छोड़ रहे हो? गाइस एयरपोर्ट में बहुत ही दिलदार लोग हैं, हम लोग को एक बैग फ्री में दे दिए। हम लोग ने तो दो बैग लाए थे, यहाँ तीन बैग कैसे हो गए? तो गाइस इन लोग ना वहाँ पे कहीं तो है खड़े हुए, दिख रहे क्यों नहीं है मेरे को, पता नहीं कहाँ चले गए लोग, कहाँ है वे? चल अपन निकलते हैं, हाँ भाई बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो अपने को। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा ट्रॉली को घसीटते हुए, हम लोग का सपना पूरा हो रहा है। धीरे धीरे करके हम लोग का हर एक सपना पूरा करेंगे। हम लोग यहाँ मुमानी और भाभी, अमन ने भाभी का बैग पहना हुआ है। गाइस बाय बाय बोल दो, बच्चे को भी बाय बाय कर दो। हाँ ये भी जा रहा है, इसका सामान अम्बुल ने इसी बैग में डाल दिए। मनाली आ रहे जुड़ी को कश्मीर सॉरी इंटरनेशनल। तो गाइस यहाँ सब मिल रहे हैं, लास्ट टाइम दुबई। हाँ भाभी से मुमानी मिल लिए है, अमन एक्टिंग करता है, एक्टिंग करते हैं। ये जा रही तो रो रहा है अमन। बीवी नहीं, वो तो कुलूत से मिल रहा था अभी, बीवी से उसने कार में मिल लिया अच्छे से। बीवी बोलती कि क्या हो गया, सब ठीक है ना, क्या हुआ? अमन ना एक मम्मी रो रहे हैं, मम्मी टेंशन मत लो, एक महीने बाद आप भी जा रहे हो घर। मैं रो रहा था, आँख में कचरा ही है। अरे कुलूत जिशान से नहीं मिल रही है। और मामू किधर गए? नहीं मैं कैप्चर करूंगा देखो बस। मामू देखो ऐसा लग रहा मामू ही जा रहे, बाय बाय कर रहे वहां से, इन लोग के लिए लाइन लगा के खड़े मामू, और इन लोग और इन लोग भगाएंगे वहां से, और इन लोग इधर ही खड़े हैं, थोड़ा मिल रहे, थोड़ा इमोशनल हो गए गाइस, बहुत टाइम बाद, मतलब बेटी आई और अब वापस जा रही है तो बुरा लगता ही है। ठीक है चलो अभी वेट करते लोग कब निकलेंगे, मत करके अमन जा रहा है बैग लेके आगे। हाँ बुरा लग रहा है अमन को, लंदन से उतरा। हाँ गोविंदा मिल गया यहीं पे। वो भी हॉर्न बजाने लगा, चुप बैठ तेरी बकबक बोल रही है। ठीक है
चल बे अमन, खड़े क्यों, सब खड़े हो गए, सब लोग वहाँ, उन लोग भी पीछे खड़े हो गए। चलो भाई, यहाँ फाइनल बाय बाय हो रहा है कुलूद और मुमानी का। बेबी को लेके चले गई और यहाँ अभी मुमानी रोइंग है, बहुत रोइंग है। देने दे दिया अभी। हाँ, अमन चले गए अंदर। जब एयरपोर्ट आता हूँ तो वेट करता शायद मेरे सपनों की रानी आ जाए। हाँ तो एयरपोर्ट जरूरी है, इंटरनेशनल आएगी ना, बाहर से आ रही एक भी वहाँ भाग भाग के पहुंच गया। मामू मिल रहे हैं बच्चे से, नहीं भाग भाग के चले गया वो भी। मैंने बोला ना बाप पे जाने तो गाइस वहाँ मिल रहे हैं मामू लोग, सब चले आएंगे सऊदी, फिर लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जल्दी वापस भी आएंगे, देखते हैं कब तक आते हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं हम लोग का वक्त कब आएगा हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे। जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, आपकी दुआ कबूल हो जाए, आपकी जबान पे आमीन हो जाए, आएगा। चलो देखें इंशाल्लाह जल्दी। यहाँ इतनी सारी लंबी लाइन लगी है, भाभी कुलूद को वो जो अंकल भाई है उन्होंने अंदर ले लिया सीधा। हाँ अच्छी बात है, मैंने बोला था मेरे को डायरेक्ट मत बोला, पहले जिशान को हाथ दिखा दे, उसको लगना चाहिए। तो अंदर जाके सेटिंग करके आएगा, ठीक है। इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है गाइस, इन लोगों को पहले अंदर ले लेंगे। चलो लेकिन अमन को वहाँ से भगा देंगे। टाटा टाटा अल्लाह हाफिज, ये फाइनल बाय, फाइनल बाय कर दिया अमन ने भी। ज्यादा अंदर मत जा, गोली मार देंगे। अमन अमन की खुशी देखो गाइस, इतना खुश अमन, ए अमन अंदर जा रहे है। आजा आजा, अबे हम लोग आजा। हाँ इसको दूर का नहीं दिखता है, सॉरी मैं भूल गया। गाइस अमन की खुशी बीवी को छोड़ने के बाद, ये कितना फास्ट फास्ट भाग क्या रहा है। अरे ले, अरे ले, आया है। मुमानी की नज़र सिर्फ गेट पर है कि कहीं दिख जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि बेटी जा चुकी है ना। चलो अपन भी निकलते हैं, अपनी कार यहाँ है, वो एक कार वहाँ, एक कार यहाँ, दोनों कार लेके जाने का। तो उन लोग तीन जन को उधर बैठे हैं, तो अपन तीन जन इधर बैठे हैं ना। हाँ हमारी गाड़ी को लॉक लग चुका है, एक यहाँ पे लगा है, एक नहीं हम लोग ने दो गाड़ी लाया ना गाइस। आपको आप लोग वो दूसरी गाड़ी का भी दिखा दें, देखो गाइस यहाँ पे दूसरी गाड़ी को भी लॉक लग गया। अब ये खुलवाते हैं गाइस यहाँ पे, इससे अच्छा पार्किंग ले लेना चाहिए थी हम लोग को। अब गाड़ी निकलने का वेट करेंगे, एक गाड़ी से वो प्लग निकलने का वेट करेंगे, जो भी लगा है उन लोग ने, उसके बाद से निकलेंगे घर से। उन्होंने एक खुलवा दिया है, अभी दूसरा खुलवा रहे हैं यहाँ पे, ये खुल जाएगा अभी निकलते फिर घर। अरे हाँ, अभी से ऐसा लग रहा है कुछ कम हो गया है ना इन लोग के जाने पे, ऐसा लग रहा है। दो फील आ रही थी कि अब जा रहे इंटरनेशनल ट्रिप पे, फुल देखो अभी तक नसीब ने वो गेट खोल के अंदर घुसला भी होएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होगा। तू बाजू हट। तो अभी चलो घर निकलते हैं, ब्लॉग यहीं पर एंड कर लेते हैं। आप लोगों को ये बता देते कि कल हल्दी का ब्लॉग आने वाला गाइस, आप लोग बस वेट करो, बहुत मजा आने वाली है ना। तो ब्लॉग होने वाले कजलाम डांस तो देख के हिल जाओगे आप, पूरे एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं ये गाइस। ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं हमारे, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकट्स। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।